पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दरअसल आज इंद्री हल्के में निजी पैलेस में जेजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दुष्यंत पहुंचे थे। वहीं दुष्यंत ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर जाकर उन्हें जेजेपी की रैली का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग से ही हम मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ सकेंगे, जिन्होंने 5 साल में प्रदेश के लोगों का बुरा हाल कर दिया है, जिनसे आज हर वर्ग दुखी है। दुष्यंत ने कहा कि अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो इनकी सरकार में घोटाले भ्रष्टाचार के मामले सामने ना आते। वहीं एनआरसी पर दुष्यंत ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस पर ध्यान दिया गया। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जो हमारे बॉर्डर से लगे प्रदेश हैं, वहां इसकी जरूरत है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे को भटकाने के लिए और जात पात धार्मिक तौर पर डिस्टर्ब करने का भाजपा काम कर रही है। वहीं कुमारी शैलजा और हुड्डा पर दुष्यंत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को मजबूती मिलती तो वह चर्चा में होते। केवल मात्र पद पर बिठाने से, पद बदलने से जनता की भावना नहीं बदलती। लोकसभा में जो हाल पूरे देश में कांग्रेस का हुआ, वही हाल कांग्रेस का अब होगा। तमाम कार्यकर्ताओं की आज बैठक ली आगामी 22 तारीख को होने वाले जन समाज दिवस के निमंत्रण और सभी साथियों से आग्रह किया विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते एक एक साथी घर घर जाकर जहाँ रैली का न्योता देख रहा है वहीं नए साथियों को पार्टी संगठन के साथ जोड़ने का काम। आज प्रदेश बदलाव चाहता है और उस बदलाव की एक मजबूत नींव के लिए तमाम साथी मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी से जुड़े। आज का मेरा परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, महिला परेशान, प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको 5 साल में बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया। और इसीलिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बढ़ती है कि घर घर जाकर उन तमाम लोगों को जोड़े जो आज इस सरकार से प्रताड़ित और मजबूती के साथ संगठन को ताकत देकर जहाँ करनाल को मुख्यमंत्री का जिला मानते हैं इसकी घेराबंदी तोड़ने का काम करें और करनाल के ताड़ों को आज ताले लगा रखे हैं करनाल के विकास में चाबी के वो ताले तोड़ने का। हरियाणा में 75 पार की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, ये किस आधार पर बात कर रहे हैं? 75 पार वाले लोगों को थोड़े दिनों में जनता इतने जोश के साथ बॉर्डर पार कराएगी कि इनको धरातल की तस्वीर दिखेगी कि 4 से जिस तरीके से 47 पहुँचे लोग 75 छोड़ो इनको वापस 4 में भी सजा। हरियाणा में दो बातें ये अपने आपको कर रहे हैं, ईमानदार सरकार, नीयत साफ है। आप इसको अगर नीयत साफ होती है हरियाणा प्रदेश में से 80 में से 2 ही बच्चे हरियाणा के हैं। अगर नीयत साफ होती तो ओवरलोडिंग घोटाला 5000 करोड़ का क्यों होता? अगर नीयत साफ होती तो फिर नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख में जब बिकता पाया गया तो उस पेपर को सरकार ने कैंसिल क्यों नहीं किया? रातों रात उन बच्चों का रिजल्ट आउट करके उनकी ज्वाइनिंग कराई। नीयत साफ नहीं है, क्योंकि नीयत में तो पहले दिन से खोट था। एक कहावत है, सूदी चिमटी हिमाचल घने कहावत, सकल से शुद्ध दिखते थे मगर अंदर ही अंदर इस प्रदेश को खोखला किया। और इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में दबा हुआ। इस प्रदेश को बचाना जरूरी है। इस प्रदेश के कमेरे से लेकर किसान हो या कोई वर्ग उसको मजबूती देनी जरूरी है और उसके लिए अब हरियाणा की जनता कर्मठता के साथ बढ़ रही है। विपक्ष को जनता क्यों नहीं इस रूप में मान रही कि वो भारतीय जनता पार्टी को आता से बाहर करते? आप मानते हो क्यों नहीं मान पा रहे? आप मानते हो नहीं, विपक्ष जो अपनी भूमिका है वो शायद इस रूप में नहीं निभा पा रहा, जिस कारण जनता में एक संदेश नहीं जा पा रहा। कि एक पत्रकार के कहने से मैं कैसे मान? आप मानते हो कि खट्टर साहब ने अच्छा काम किया? नहीं, खट्टर साहब ने तो जनता बताया कि किसने अच्छा काम किया। आपसे आप विपक्ष की भूमिका में है, कल विपक्ष की जो भूमिका है शिक्षकों पे लाठीचार्ज, जिस तरीके से गेस्ट टीचर यहाँ पर बैठे और जिस तरीके से कल गैस टीचरों पे पानी मारने का काम था, ये साबित कर देता है कि 5 साल पहले करे हुए वादों को बिल्कुल इस सरकार ने नकारने का काम किया, उन लोगों के साथ धोखा किया। आज मैं स्वयं गैस टीचरों से भी मिलकर आऊँगा। पहले भी जब मैं पार्लियामेंट में था 10 से ज़्यादा बार मैंने इन कंप्यूटर शिक्षकों की और गैस टीचरों की बात को पार्लियामेंट में रखी। पर ऐसी गूंगी बहरी सरकार है जो इस प्रदेश को बढ़ाने वाले लोग हैं, जो इस प्रदेश को शिक्षित करने वाले लोग हैं, आज उन पे अत्याचार के साथ साथ अन्याय करने का काम ये सरकार कर रही है।
हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट करना क्या इतना जरूरी था कि विधानसभा से चुनाव से चार दिन पहले उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। आज NRC की जरूरत है बंगाल में, सेवन सिस्टर्स में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए प्रदेश हैं। हरियाणा तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर से तो लगा हुआ है नहीं। सिर्फ चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को दूर करना, बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने, उसको भटकाने के लिए, और कहीं ना कहीं आज कास्टिस्ट तौर पर, धार्मिक तौर पर हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं, हुड्डा जी और शैलजा जी को कमान दी गई है? कांग्रेस पिछले 3 दिनों से प्रोग्राम कर रही, अगर कहीं उनको मजबूती मिलती दिखती तो आज वो चर्चा में हो। केवल मात्र पद पे बैठाने से या पद बदलने से जनता की भावनाएं नहीं बदल सकती। कांग्रेस का तो वही हाल होगा जो लोकसभा में पूरे देश में कांग्रेस को देखा। क्या गठबंधन चुनाव से पूर्व चुनाव के बाद भी हो सकता है किसी भी पार्टी से? आपकी पार्टी तो 90 सीटों पर लड़े, चुनाव के बाद JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।